नारायणा विद्यालय चंद्रपुर ने बच्चों की फीस ना भरने के कारण बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन बंद करने के साथ ही उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं करके बच्चों को शिक्षा से वंचित करके शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन किया है। इसके अलावा स्कूल टीचर पालकों और बच्चों को फोन करके फीस भरने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। जबकि हाईकोर्ट के निर्णय और राज्य सरकार के आदेश में साफ लिखा है कि कोई भी स्कूल फीस नहीं भरने पर भी बच्चों को शिक्षा से वंचित करके उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकती। इसलिए शुक्रवार को नारायणा विद्यालय चंद्रपुर के पालकों ने जिला परिषद शिक्षणाधिकारी कार्यालय के बाहर नारायणा विद्यालय के खिलाफ काली पट्टियां बांधकर ताली और थाली बजाओ आंदोलन किया और शिक्षण अधिकारी उल्लास नरट से भेंट कर नारायणा विद्यालय की मान्यता रद्द करने हेतु निवेदन सौंपा। शिक्षण अधिकारी उल्लास नरेड ने स्कूल की प्रिंसिपल श्रबोनी बैनर्जी से फोन पर बात की और बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के साथ ऑनलाइन एजुकेशन तत्काल शुरू करने की सख्त ताकीद दी और स्कूल की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव बनाकर फिर से एक बार उप संचालक नागपुर को भेजने का आश्वासन पालकों को दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पिछले महीने में भी एक बार स्कूल की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों को भेज चुके हैं। सचिन महाजन, भूषण भंडावार, विवेक जोगी, पुरुषोत्तम आवड़े, राकेश फुले, ब्रह्मानंद शेंडे, स्नेहल मते, वैशाली टोंगे, मनीषा फुले और लगभग 100 पेरेंट्स ने इस आंदोलन को सफल बनाने में योगदान दिया। पालक संगठन प्रमुख सचिन महाजन ने हमारे प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा कि अगर पालकों को न्याय नहीं मिला तो पालक न्याय पाने के लिए अगली बार रास्ते पर उतर कर आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। BCN न्यूज के लिए चंद्रपुर से प्रतिनिधि की रिपोर्ट।